हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में एक अच्छी न्यूज़ निकल करके आ रही है। हालांकि न्यूज़ वोडाफोन आइडिया की कंपनी के डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है, परंतु एक जो JSW ग्रुप है उसने उसके सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से अच्छी कमेंट्री आ रही है और वोडाफोन आइडिया की साइड लेते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। उसके फेवर में उसने कमेंट्री की, तो वो कमेंट्री में बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद चार्ट पे जाके लेवल और टारगेट भी बताऊंगा नेक्स्ट वीक के लिए, क्या ट्रेडिंग रेंज हो सकती है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे। पहले हम चलेंगे कि फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई थी और कारोबार कैसा रहा था। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि फ्राइडे को उसकी क्लोजिंग हुई थी 8.80 रुपये के ऊपर, लगभग 55 पैसे ऊपर था, 7% की तेजी थी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 8.25 रुपये के ऊपर हुई थी। ओपन होता है 7.90 रुपये के ऊपर, हाई बनाता है 8.95 रुपये के ऊपर और दोस्तों लो बन जाता है 7.60 रुपये के ऊपर। फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 8.85 रुपये के आसपास होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे कारोबार की डिटेल देखें तो 68,71,14,245 शेयर की ट्रेडिंग होती है, जिसमें से 23,48,30,557 शेयर की डिलीवरी होती है। डिलीवरेबल परसेंटेज 34.18%। तो डिलीवरी यहाँ पे बढ़िया दबा करके होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी हम चलेंगे उस न्यूज़ के ऊपर और न्यूज़ और JSW स्टील के जो चेयरमैन है, मतलब कि सीनियर मैनेजमेंट है, उसने क्या बोला है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखें तो टेलीकॉम कांट अफोर्ड डुओपोली, जिंदाल आस्क गवर्नमेंट टू इंश्योर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव। तो जो जिंदाल स्टील बोल रहा है कि दोस्तों, अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है, अगर उसकी कंपनी बंद हो जाती है तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में दो ही फिर बचेंगे, भारतीय टेल और जियो। तो अगर उन दोनों अगर आगे जाके मिल जाते हैं तो एक मोनोपोली टाइप की क्रिएट हो जाएगी। मोनोपोली हालांकि एक होती है तो ही होती है, पर दो ही चीज़ बचेगी तो जियोपोली हो जाएगी। तो दोनों आगे जा करके बचते हैं तो वही इंडस्ट्री मतलब कि लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उसने ऐसा बोला है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया नेटवर्थ हैज़ कम्प्लीटली एरोडेड, मतलब कि वोडाफोन आइडिया की जो नेटवर्थ थी अभी तक की वो सब साफ हो चुकी है और वो 58,254 करोड़ एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू की लायबिलिटी के नीचे दबा हुआ है। नीचे देखें तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सज्जन दिखाई दे रहे हैं। उस सज्जन JSW स्टील के चेयरमैन है, उनका नाम है सज्जन जिंदाल, जो कि यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। ये सज्जन जिंदाल जो कि चेयरमैन ऑफ JSW स्टील के हैं, उसने बताया है कि वोडाफोन आइडिया की साइड लेते हुए, मतलब कि पॉजिटिव उसके साइड में बात करते हुए बोला है कि इन टेलीकॉम कंज्यूमर विल बी द डिसएडवांटेज विद द ओनली 2 प्लेयर लेफ्ट इन द गेम। अगर यह मैंने जैसे बताया कि वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है तो जो कस्टमर है जैसे हम और आप, उसको डिसएडवांटेज होगा अगर इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में दो ही प्लेयर बच जाते हैं। वो आगे बता रहे हैं तो दोस्तों, गवर्नमेंट मस्ट इन सम वे फैसिलिटेट टू सर्वाइव ऑफ वोडाफोन आइडिया एज थर्ड कॉम्पिटिटर। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया के रूप में थर्ड कॉम्पिटिटर जिंदा रहे और अपने आप में सर्वाइव कर सके। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो उसकी नेटवर्थ कम्प्लीटली इरोड हो चुके हैं और जो 58,254 करोड़ का एडजस्टमेंट ग्रोथ रेवेन्यू है उसकी लायबिलिटीज के नीचे वो दबा है। तो उसने गवर्नमेंट को ये अपील करी है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए या ऐसी कुछ राहत देनी चाहिए जिसकी वजह से वो उस वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर पाए। तो दोस्तों, ये अपने अपने पॉजिटिव कमेंट्री है, हो सकता है कि गवर्नमेंट इनकी बात सुने। तो दोस्तों, हम चलेंगे चार्ट के ऊपर, चार्ट पे क्या लेवल और टारगेट आ रहे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने चार्ट पे आपके लिए लेवल आपके लिए आइडेंटिफाई कर रखे हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया मैंने कल भी वीडियो बनाया था हालांकि इसके ऊपर, तो अगर किसी ने कल का वीडियो देखा है तो वो इसको स्किप भी कर सकता है और अगर वो देखना चाहे तो वो कंटिन्यू भी कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोस्तों आप ट्रेडिंग करने जाओ और आपको बार बार लेवल और टारगेट चार्ट पे जाके देखना हो। आपको चार्ट में जो लेवल और टारगेट है वो आपके मुंह पे रहने चाहिए, तभी जाके आप अच्छी सी ट्रेडिंग कर पाते हो और अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये दूसरी बार आप वीडियो देख लेते हो तो मुझे लगता है आपके लिए फिर से ये रिवीजन होने वाला है। तो उसकी क्लोजिंग हुई थी 8.80 रुपये के ऊपर, कल जैसे मैंने बताया कि 9 रुपये के आसपास वो 5-6 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है। तो दोस्तों, अभी इसको 9 रुपये को तोड़ना जरूरी है। अगर ये तोड़ता है 9 रुपये को तो भी जाके वो 10-15 रुपये के आसपास पहुंच पाएगा और उसके ऊपर 10.5 रुपये के आसपास में मोटा मोटा बता रहा हूँ लंबी रेंज का रेजिस्टेंस है। तो ऊपर के लेवल में 11.5 तक मुझे लगता है पहुंच सकता है अगर पॉजिटिविटी बनी रही। और नीचे के लेवल में बात करें तो दोस्तों, 7.5 रुपये के लेवल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके नीचे 7 रुपये का लेवल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो 7 रुपये को होल्ड करना बहुत ही जरूरी है वोडाफोन आइडिया को। तो नेक्स्ट वीक में हमें
7 रुपये से लेकर 11.5, मतलब कि मैं उस थोड़ा ब्रॉड रेंज बता रहा हूँ, हालांकि 7.5 से 10.25 के रेंज ही मेरे ख्याल से ठीक होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक में हमें 7 रुपये से 11.5 रुपये के ऊपर मैक्सिमम रेंज हमें दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों मैं हालांकि इसके ऊपर इंट्राडे के लिए कल मतलब कि संडे को शाम के आसपास स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ कि मंडे को इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।